हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुरुंजी कदंबम। नाम इनकी ऑरेंज जेली एप्डी पन्रदें दा पाक पोरों। पाक मट सूँ रोम सूपर समर वरपोदिया अब कुछ धारा जेली नम्बर वीटल से देवान पुरे कप ऑरेंज जूस अरे कप सर्करे कल कप कॉर्नफ्लावर माव कप मेशर पड़ी अल एल अलवे मेशर पड़कों ना 240 ml कप इनके मेशर पड़े ऑरेंज जूस वो फ्रेशान ऑरेंज जूस यूस पड़े कैन जूस यूस पड़ना बट ऑरेंज अवेलेबला अब ना पिंजे तनिये इलाम जूस एड़कण ऑरेंज जूस अद नम्बर सर्कर से ना किरी अडी गनमान पात्र वेको इलेना नॉन स्टिक पात्र वेको अदकूँ कॉर्नफ्लावर माव से कटे इलाम मोदी करेचिकन इस्ट अड़पेल वेल मोदे से ना करेचिको कॉर्नफ्लावर फर्स्ट कटि तटा मादी अदक ना करेजो करेजद नम्बर इड़प सिमे वे नम्बर किरीटेको विस्कुमी यूस पड़ो कटि तटाम कुछ टाइम एंत कटिया ना और अलवा पदम वरण अद वे नम्बर वो सेटे ऑरेंजुट अलरे पर जल्लिया कलर मारो वा नहीं रोम कलर कमिया फील पड़ी कुछ फ्यू ड्राप्स वो ऑरेंज कलर सेतुकल सो इतमी फुला किरीटे और स्टेज पाती ओटवे ओटाद पाती लिक्विड स्टेट आना ओटा ओटाम ना अलग वर्दी इतना करेक्टान स्टेज इत स्टेज नम्बर अड़प आफ इमीडियटा नम्बर एंत पात्र ऊतपोमो अंतर माता नहीं स्कोयर शेप वरण सर्कल शेप वरण अब माता ना इनकी और कुटी कुटी सर्कल शेप वरण अभी इतमारी ग्लास टॉल ग्लास आयिल अप्ले पड़े ऊतपर नहीं पात्र आयिल अप्ले पड़ी के बट इमीडियटा ट्रांसफर पड़ी टाइम आगे आर आर इनको कटी आई ऊती ना टैपनी ईक्वल पड़े कुछ नेर कूल पड़द टू टू थ्री हवर्स फ्रिजी वे फ्रिजी वे एटा कवती तटनी अलग अल्ली वो अल्ले वं ऑरेंज जेली रेडी आई मब एक्स्ट्रा टेस्ट शेप कुटी कुटी सर्कलसा और हाफ इंचल वन इंच अल्व तिक्न सर्कलसा कट पड़ी कट पड़े डेसिकेटेड कोकोनट कड़गे कड़कों இந்த கோகனட் துருவல் தேங்காய் துருவல்ல போட்டு இந்த மாதிரி புரட்டி எடுத்துட்டு இமிடியேட்டா sugar வெச்சிருக்கேன் அந்த sugar லயே நம்ம கோட் பண்ணி எடுத்துறோம் தேங்காய் துருவல்ல கோட் பண்ணிட்டு sugar ல இமிடியேட்டா கோட் பண்ணிரணும் நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்த உடனே மேலினா நேராக அந்த dry ஆயிடும் பிடிக்காது அதே மாதிரி இது வந்து உடனே சாப்பிட்டறணும் ரொம்ப நேரம் வெச்சிருந்தீங்கனா ஒரு மாதிரி தண்ணி விட்டு வேற டேஸ்ட்க்கு மாறிடும் எப்போ நீங்க சர்வ் பண்ண போறீங்களோ அப்ப ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்தா போதும் சோ சூப்பரா ஜெல்லி ரெடி ஆயிடுச்சு அது குழந்தைங்க மட்டும் இல்லைங்க பெரியவங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ சம்மர் டைம்ல நம்ம இந்த ஜெல்லி எல்லாம் அடிக்கடி செய்வோம் ஸோ ஜெலட்டின் அகர் அகர் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் சூப்பராக ஒரு ஜெல்லி ரெடி ஆயிடுச்சு ஆரஞ்சு டேஸ்டில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்ததும் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வாழ்க வளமுடன்